बागपत के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपको ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं प्रत्येक विषय की, तो प्यारे बच्चों, आप समय पर ऑनलाइन रहकर उन कक्षाओं का लाभ उठाएं और अपना रोज का काम रोज करें। आपकी बुक भले नहीं आई हो, आप नेट से दीक्षा पोर्टल पर से अपनी बुक की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने डाउन पढ़ते हैं। विषय की बुक दीक्षा पोर्टल से डाउनलोड करके अपना वर्क डेली करें। आज हम तीसरे लेसन की शुरुआत करते हैं रहीम के दोहे। रहीम ने इस प्रकार मनुष्य की महत्ता का वर्णन किया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कवि सतत प्रसन्न। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति यानी अच्छे प्रवृत्ति का होता है, का कवि सतत प्रसन्न यानी बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक कहावत है ना कि जो जैसी संगति में बैठेगा वैसे ही हो जाएगा, तो रहीम दास जी ने उसका खंडन किया है, नहीं, जो व्यक्ति अच्छी प्रवृत्ति का होता है उसका बुरी प्रवृत्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे? उदाहरण देकर समझाया है। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहे भुजंग। जैसे चंदन पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं परंतु वह अपनी शीतलता को फिर भी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति अच्छी प्रकृति का होता है, अच्छी प्रवृत्ति अच्छी आदतों का होता है, बुरी संगति इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहते, जैसे चंदन के पेड़ पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं परंतु चंदन अपनी शीतलता को फिर भी नहीं छोड़ता है। रहीमन प्रीत सराई मिले हो त्रम धूम, जो जर्दी हटी तजे तजे सफेदी चून। रहीमदास जी ने कहा है कि उसको प्रेम सराहने योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। रहीमन प्रीत सराहिए, रहीमदास जी कहते उस प्रेम की प्रशंसा कीजिए। किसकी? मिले हो त्रम धूम, जो मिलने से उनका प्रेम दुगना हो जाता है, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं मूल स्वभाव को, तो प्रेम प्रशंसा के योग्य है। कैसे उदाहरण दिया है? जो जर्दी हल्दी तजे, जिस प्रकार हल्दी और चूने को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो दोनों अपने मूल रंग को छोड़कर एक नया रंग पैदा कर देते हैं। तो कबीरदास जी रहीमदास जी कहते हैं कि वो प्रेम सराहने के योग्य है, जो आपस में मिलकर एक नया रंग पैदा करते हैं, नया मिसाल पैदा करते हैं। जैसे अगर हम हल्दी और चूने को एक साथ मिलाएं तो अपने मूल रंग को छोड़कर एक नया रंग परिवर्तित करते हैं। तीसरा, टूटे सज्जन मनाइए जो टूटे सोहा। रहीमदास जी कहते हैं टूटे सज्जन मनाइए यानी जो सज्जन व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, अगर वह रूठ जाए तो क्या करना चाहिए? उसे मना लेना चाहिए। टूटे सज्जन मनाइए जो टूटे सोहा। अगर सज्जन व्यक्ति सोवार में रूठता है तो उसे सोवार ही मना लेना चाहिए। कैसे? रहीमन फिरी फिरी पाओ ये टूटे मुक्ता हार। जैसे मोतियों की माला टूट जाती है तो उसे बार बार पिरोकर फिर से बना लिया जाता है, तो उसी प्रकार जो अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसे रूठने देना नहीं चाहिए, उसे मना लेना चाहिए। रहीमन आंसू नैन भीली ये दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं जब आंखों में आंसू आ जाते हैं, रहीमन आंसू नैन भीली, जब आंखों से आंसू गिरते हैं, ये दुख प्रकट करे, तो वे हृदय का दुख जो है प्रकट करते हैं, हृदय का दुख बतला देते हैं। उसी प्रकार जाति निकलो के से कसने भेज दी जाए। अगर हम अपने किसी घर के व्यक्ति को घर से धुतकार देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो क्या होता है? तो घर का भेद बाहर चला जाता है, वो अच्छा नहीं है। रहीमदास जी समझाते हैं जिस प्रकार आंखें विलाप करती है तो आंसू आते हैं, आंसू आने से जो हृदय के भाव है, हृदय का दुख है, जो बाहर निकल आता है। तो दूसरा उदाहरण देकर
समझाया, अगर हम किसी घर के व्यक्ति को घर से बाहर उत्कार देते हैं, निकाल देते हैं, तो घर का भेद बाहर चला जाता है, जो ठीक नहीं है। कह रही संपत्ति सगे बड़द बहुत नीति, कितनी अच्छी सच्ची बात बताई है रविदास जी ने। कह रही संपत्ति सगे, जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तो बलत बहुत नीति, इतने जाने कितने मित्र रिश्तेदार बन जाते हैं। और विपत्ति कसौटी जी कसे तेरी साचिर में, तो कबीर कह रहे हैं दास जी कहते हैं, परंतु सच्चा मित्र सच्चा रिश्तेदार वही होता है जो मनुष्य के दुख के समय उसके साथ रहता है। रविदास जी कहते हैं विपत्ति कसौटी संपत्ति सगे बलत बहुत नीति, जो मनुष्य के पास संपत्ति आती है तो उसके बहुत से मित्र रिश्तेदार बन जाते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही कहलाता है जो उसके दुख में साथ रहता है, विपत्ति में साथ रहता है। जाग परे जल जात वही तजी मिनल को, जब मछुआरा जाल मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है तो क्या होता है, जाल पानी से निकल जाता है, तजी मिनल को मछली के प्रेम को छोड़ करके वो जल जाल पानी जो है जाल से निकल जाता है और मछली जाल में फंस जाती है। रेमन मछली नीर को तो न छोड़ छो, परंतु रेमदास जी कहते हैं कि मछली उस पानी के मोह को फिर भी नहीं छोड़ती है, उसके बिना अपने प्राण त्याग देती है। तो कबीर रेमदास जी कहते हैं कि मोह तो ऐसा होना चाहिए जो मन के सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे का साथ न छोड़े। मछली को जल से इतना प्रेम है वह उसके अलग होते ही वह अपने प्राण त्याग देती है। दीनन समन को लखत है दीन लखे ने कोई, कितनी अच्छी बात बताई है रविदास जी ने कि दीन जो गरीब व्यक्ति होता है वह सबकी ओर देखता है, समृद्ध व्यक्ति की ओर देखता है कि मेरी कोई हेल्प करे, मुझे मेरी कोई सहायता करे। दीन ही लखे ने कोई, परंतु उस गरीब व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता है, और जो गरीब व्यक्तियों की सहायता करता है वह दीन बंधु कहलाता है, बड़ा दयालु यानी ईश्वर कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। दीनन समन को लखत है दीनन लखे ने कोई, जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सबकी ओर आशा के लिए देखता है, सहायता के लिए देखता है, परंतु अधिकतर लोग जो है गरीब की तरफ नहीं देखते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं जो दीन तरफ है, जो कभी गरीब व्यक्तियों की सहायता करते हैं, सब दीन बंधु होए, वह ईश्वर के समान है, बड़ा दयालु व्यक्ति है। प्यारे बच्चों, आज के लिए आपके साथ तो यही है, आप इन्हें रिवाइज करिए बार बार, और इनके व्याख्या साथ साथ आप राष्ट्र को ऊपर करिए, और जहाँ भी कोई समस्या हो आप विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 9598 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे आप लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं।